गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले यूरोप कॉन्टिनेंट, ठीक है, यूरोप कॉन्टिनेंट का पार्ट वन देखेंगे, ठीक है। बहुत इत्मीनान से, बहुत मजेदार तरीके से यूरोप कॉन्टिनेंट को कंप्लीट करेंगे, जिससे एग्जाम से क्वेश्चंस बने, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम से क्वेश्चंस आने चाहिए, ठीक है। तो सभी बच्चे जुड़ते जाइए, ठीक है। तब तक मैं आपको अनअकैडमी के बारे में कुछ ऑफर्स बता देता हूँ, ठीक है। इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी, जहां पर इंडिया के बेस्ट एजुकेटर आपको एजुकेट करते हैं। मेरा नाम उमा शंकर मिश्रा है, 8 ईयर के एक्सपीरियंस के साथ बच्चों मैं आपको ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। ज्योग्राफी सब्जेक्ट में मेरा अनुभव के साथ मैं यहाँ पर आपको मास्टर डिग्री मैंने ज्योग्राफी सब्जेक्ट में लिया है। इसके साथ ही साथ वर्तमान समय में मैं ज्योग्राफी के साथ पीएचडी जो है कर रहा हूँ, ठीक है। ये सभी एजुकेटर बच्चों आपको अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। अनअकैडमी यूपीएससी मेगा कॉम्बैट जो है, ध्यान रखिएगा, हर संडे को, ध्यान रखिएगा, ये टेस्ट जो है हर संडे को सुबह 11 बजे कंडक्ट किया जाता है। इस टेस्ट में अगर आपका रैंक अच्छा रहता है, इसका मतलब है आपको बहुत अच्छा स्कॉलरशिप मिलेगा अप टू 100% तक, है ना। तो इस टेस्ट को हम कैसे दे, तो अनअकैडमी का लर्निंग एप्लीकेशन आप बच्चों डाउनलोड करोगे, उसके बाद आपको एक कोड यूज करना पड़ेगा, UMS10, ठीक है। जैसे ही आप ये कोड यूज करोगे, आप इस टेस्ट के लिए एनरोल हो सकते हो और आप इस टेस्ट को बहुत आसानी से दे सकते हो, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अनअकैडमी पर अभी बहुत सारे ऑफर्स चल रहे हैं, ये ऑफर जो है बहुत जल्दी समाप्त तो होने वाले हैं। इसका मतलब है जल्दी से आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। अगर हम बात करें प्लस जीएस या प्लस कॉम्बो, आइकॉनिक जीएस या आइकॉनिक कॉम्बो, तो आप देख सकते हैं इसका प्राइस जो है बहुत ज्यादा लेस हो चुका है, 1 ईयर 2 ईयर और 3 ईयर के लिए, क्लियर है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अनअकैडमी आप लोगों के लिए बहुत एक अच्छा सरप्राइज लेकर के आया, 20 बुक का सरप्राइज है, जिससे यूपीएससी के एक्सपर्ट के द्वारा बच्चों बनाया गया है। इसका मतलब है कि इसकी विशेषताएं ये है कि इस बुक में आपको 100% सिलेबस जो है कवर दिखेगा। इसके साथ ही साथ बहुत आसान भाषा में इस बुक का जो टॉपिक, जो कॉन्सेप्ट है वो दिया गया है, जिससे आपको बहुत अच्छे से आपको टॉपिक समझ में आएगा, ठीक है। एक्सपर्ट के साथ तो बनाया ही गया है, इसके अंदर आप लास्ट ईयर के, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे। इसके साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर से अपडेटेड ये बुक रहेगा, ठीक है। इस बुक का एक्चुअल वर्थ बच्चों 10,000 रुपए है, लेकिन अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ये बुक बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा, ठीक है। ये पेपर 1, 2, 3 और 4 को कवर करता हुआ ये बुक है, ठीक है। अगर आप चाहें तो अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर लोन लेकर के भी, ध्यान रखिएगा, आप आ सकते हैं, ठीक है। लोन लेने के लिए ध्यान रखिएगा, ये वेबसाइट पर जाकर के आपको अप्लाई करना होगा लोन। जैसे ही बच्चों आप लोन के लिए अप्लाई करोगे, 2 घंटे के अंदर आपको लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, 0% इंटरेस्ट रेट के साथ आपको ये लोन मिलेगा, ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई प्रोसेसिंग फीस आपको नहीं देनी होगी और एकदम मिनिमम पेपर वर्क के साथ आपको लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। अनअकैडमी पर 2 अलग अलग सब्सक्रिप्शन होते हैं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और प्लस सब्सक्रिप्शन, ठीक है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि आपको 24/7 आवर एक मेंटर प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपके हर एक प्रॉब्लम का, हर एक जो है क्वेश्चन का आंसर देगा, ठीक है। टेस्ट एनालिसिस होगा, एक्सपर्ट के द्वारा गाइडलाइन दिया जाएगा आपको, स्टडी मटेरियल के रूप में आपको 20 बुक प्रोवाइड किए जाएंगे और स्टडी प्लानर भी होगा, ठीक है। और अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा गाइडलाइन आपको 10 सिलेक्शन तक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। वहीं अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ठीक है, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ध्यान रखिएगा, आपको लाइव क्लासेस ज्वाइन करने का मौका मिलेगा, ठीक है। आप सभी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, स्ट्रक्चर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और उसे अनलिमिटेड टाइम तक एक्सेस कर सकते हैं, और आप प्लस सब्सक्रिप्शन में वीकली टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो दोनों की विशेषताओं को मैंने यहाँ पर बता दिया। अगर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा 4 टाइम स्लॉट है जिसमें आप ले सकते हैं। आप हाफ ईयर के लिए, मतलब 6 मंथ के लिए ले सकते हैं, 1 ईयर 2 ईयर और 3 ईयर के लिए भी ले सकते हैं, क्लियर है। जस्ट इसके सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका चार्ज दिया गया है, ठीक है। इसका चार्ज दिया गया सेम एज इट इज जो है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, इसमें आप 3 टाइम स्लॉट आपको मिलेगा, 1 ईयर 2 ईयर और 3 ईयर का। जस्ट इसके सामने इसका चार्ज दिया गया है, ठीक है। सभी बच्चे आप जानते हैं कि 10% का डिस्काउंट के लिए आपको यहाँ पर कौन सा कोड यूज करना पड़ेगा, उमा लाइव, ठीक है। इस कोड को आपको यूज करना पड़ेगा, देन इस सब्सक्रिप्शन चार्ज में आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। ये कोड जो है हर जगह पर आपको 10% का बेनिफिट कराएगा। अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्वाइन करना चाहते हो तो ध्यान रखिएगा, 12 मंथ का जो चार्ज है 27,500 है, ठीक है। इसमें अगर आप उमा लाइव कोड यूज करते हैं तो बच्चों ये 27,500 का जो चार्ज है वो 24,750 रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगा, जो आपके लिए एक बहुत अच्छी बात है, ठीक है। फ्री टेस्ट सीरीज, ध्यान रखिएगा, अनअकैडमी की तरफ से फ्री टेस्ट सीरीज, 3 अलग अलग टेस्ट सीरीज दी जा रही है। इसमें स्टैंडर्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जिससे आप अपनी तैयारी को जज कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो चुकी है, ठीक है। इस टेस्ट सीरीज को देने के लिए बच्चों आपको एक कोड यूज करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, UMS10, ठीक है।
जैसे ही अनअकैडमी के लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे और उसमें आप इस कोड को यूज करोगे बच्चों, ये टेस्ट आप लोगों के लिए अनलॉक हो जाएगा और आप इस टेस्ट को बहुत आसानी से दे सकते हो। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा 22 सितंबर को दो अलग अलग बैचेस लॉन्च हो रहे हैं। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो बच्चों इस बैच को आप ज्वाइन करके अपनी तैयारी को अच्छे से बूस्टअप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा यूरोप कॉन्टिनेंट। ठीक है, हम यूरोप कॉन्टिनेंट को 2 से 3 पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, और सभी पार्ट का जो नोट्स है अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करेंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर शेयर करेंगे, है ना। टेलीग्राम चैनल पर आपको जुड़ने के लिए करना क्या होगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे, जैसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे वहां पर आपको वहां पर लिंक मिलेगा। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आपको वहां पर एक लिंक मिलेगा, उमा शंकर मिश्रा टेलीग्राम चैनल लिंक, है ना। और उस लिंक के थ्रू आप डायरेक्टली जो है मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, उस लिंक के थ्रू डायरेक्टली आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यूरोप कॉन्टिनेंट। जितने बच्चे जुड़े हैं एक एक बार शेयर कर दीजिए, जितने बच्चे जुड़े हैं एक एक बार शेयर कर दीजिए। ठीक है, सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। ठीक है, अंजलि राठौर हेलो। ठीक है, सभी बच्चे एक एक बार अपने इस लिंक को शेयर कर दीजिए जिससे और भी बच्चे जो है जुड़ सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान सा चैप्टर है और बहुत मजेदार चैप्टर है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम देखेंगे यूरोप कॉन्टिनेंट का जो पार्ट है उसे हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सोनू राय हेलो। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि हम यूरोप कॉन्टिनेंट का मतलब है कि आप जस्ट अफ्रीका हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, अफ्रीका पढ़ लिया, अफ्रीका के जस्ट नॉर्थ में जाओगे तो आपको मेडिटेरियन सी दिखेगा, इसका मतलब भूमध्य सागर दिखेगा। और भूमध्य सागर के जस्ट ऊपर आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट बच्चों यूरोप है। ठीक है, यूरोप को अगर हम डिवाइड करें, अगर हम पूरे वर्ल्ड से यूरोप को अलग करें तो हम किस प्रकार से अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो यूरोप के नॉर्थ में ध्यान रखिएगा आर्कटिक सागर है। ठीक है, नॉर्थ में आपको आर्कटिक सागर है। ठीक है, यूरोप के ध्यान रखिएगा पश्चिम में। ठीक है, पश्चिम में अटलांटिक ओशियन है। ठीक है, अटलांटिक ओशियन है। पूर्वी भाग में ध्यान रखिएगा अभी मैं हम लोग देखेंगे भी यूराल पर्वत है। और ध्यान रखिएगा दक्षिणी भाग में भूमध्य सागर है। ठीक है, तो ये चार भागों से मतलब नॉर्थ में आर्कटिक ओशियन, ठीक है, पश्चिम में अटलांटिक ओशियन और पूर्व में यूराल पर्वत और दक्षिण में आप देख सकते हैं भूमध्य सागर के मध्य में स्थित है यूरोप कॉन्टिनेंट। ठीक है, यूरोप कॉन्टिनेंट को थोड़ा सा और विस्तार करके हम देखते हैं। ठीक है, यूरोप कॉन्टिनेंट को फिजिकल पार्ट में देखेंगे तो आप देख सकते हैं ऊपर में आपको आर्कटिक ओशियन दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम करके देखेंगे जिससे और अच्छे से आपको समझ में आए। ठीक है, जैसे आप जूम करोगे चीजों को आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, आप देखिए नॉर्थ वाले पार्ट में, ठीक है, नॉर्थ वाले पार्ट में आप देख सकते हैं कि ये आपका अटलांटिक ओशियन दिखाई दे रहा है। ठीक है, अटलांटिक ओशियन दिखाई दे रहा है। अटलांटिक ओशियन के साथ ही अगर हम दक्षिण में पश्चिम में जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है। ठीक है, ऊपर आर्कटिक ओशियन है, पश्चिम में आप अटलांटिक ओशियन देख सकते हैं। अगर हम दक्षिण की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेडिटेरेनियन सी है। ठीक है, भूमध्य सागर है। ठीक है, और जैसे ही अगर हम बात करें पूर्वी क्षेत्र में तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है ये आपका यूराल पर्वत वाला भाग है। ठीक है, यूराल पर्वत वाला भाग है। इसको अगर हम और अच्छे से देखना चाहें, इसको अगर हम और अच्छे से देखना चाहें बच्चों, तो हम कैसे देख सकते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, इसको जस्ट मैं यहाँ पर यस, इसके बाद आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट में आपको दिखाई देगा। ठीक है, इस पार्ट में आप देखिए ये वाला पार्ट में हम लोगों ने लिखा था आर्कटिक ओशियन। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था आर्कटिक ओशियन। ठीक है, ये आर्कटिक ओशियन, ये आपका अटलांटिक ओशियन। ठीक है, जस्ट अगर हम बात करें दक्षिण में तो आप देख सकते हैं मेडिटेरेनियन सी मतलब भूमध्य सागर। ठीक है, भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर के जस्ट अगर हम बात करें पूर्वी भाग में तो ये आपका यूराल पर्वत। ठीक है, तो ये चारों जगहों से चारों तरफ बाउंड्री लाइन आपको बताना होगा कि नॉर्थ में आर्कटिक ओशियन है, आर्कटिक ओशियन से, ठीक है, पश्चिम में अटलांटिक ओशियन, दक्षिण में मेडिटेरेनियन सी और पूर्वी भाग में आपका यूराल पर्वत से घिरा हुआ है पूरा का पूरा यूरोप। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी बाउंड्री देखा, हम लोगों ने विश्व से यूरोप कॉन्टिनेंट को क्या किया, अलग कर दिया। ठीक है, अब हम यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में जैसे ही पढ़ेंगे बच्चों, तो यूरोप कॉन्टिनेंट में सबसे पहला पार्ट अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, यूरोप कॉन्टिनेंट में अगर सबसे पहला पार्ट देखेंगे तो याद रखिएगा यूरोप कॉन्टिनेंट के अगर हम नॉर्थ में जाएं, ठीक है, यूरोप कॉन्टिनेंट के अगर हम नॉर्थ में जाएं तो आपको बहुत सारे चीजों को देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी आप देख सकते हो कि यूरोप कॉन्टिनेंट में ऊपर वाला भाग तो आपका अटलांटिक ओशियन वाला भाग है। ठीक है,
यूरोप कॉन्टिनेंट में ऊपर वाला भाग आपका अटलांटिक ओशियन का भाग है, लेकिन अगर हम सागर को देखें, ठीक है, कौन कौन से सागर पाए जाते हैं यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर, ठीक है, तो आप देखेंगे ये नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड आपको दिखाई दे रहा है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ठीक है, दिखाई दे रहा है, तो एक बार मैसेज करें जिससे कि हाँ हमें समझ में आए कि हाँ यस आप सभी को बच्चों को दिखाई दे रहा है, ठीक है। राहुल, आशु, बिल्कुल, तो आप देखिए यहाँ पर नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड दिखाई दे रहा है सभी बच्चों को। इसके बाद नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड के जस्ट नीचे में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है बाल्टिक सागर, कौन सा सागर दिखाई दे रहा है, बाल्टिक सागर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, बाल्टिक सागर आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट आप देखिए जहां पर मेरा मैं जहां पर शो कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा कर्सर जहां पर घूम रहा है आप उस कर्सर को देखेंगे तो आपको दिखाई देगा बाल्टिक सागर, एकदम आपको जो है आप समझ जाएंगे, आपको याद हो जाएगा, ठीक है, तो बाल्टिक सागर आपको दिखाई दिया तो एक एक बार यस करके मुझे मैसेज कर दें, ठीक है, ठीक है, बाल्टिक सागर दिखाई दे दिया, यस। बाल्टिक सागर से होते हुए अगर हम आगे की ओर बढ़े तो आपको नॉर्थ सी दिखाई दे रहा है, ठीक है, नॉर्थ सी दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट जो है आपका नॉर्थ सी वाला पार्ट है, ये बाल्टिक सागर आपको दिखाई दिया, ये नॉर्थ सी आपको दिखाई दिया, ठीक है। नॉर्थ सी के जस्ट अगर हम नीचे की ओर जाएं, नॉर्थ सी से अगर हम नीचे की दक्षिण की ओर जाएं तो आपको यहाँ पर इंग्लिश चैनल दिखाई दे रहा है, ठीक है, इंग्लिश चैनल दिखाई दे रहा है, इंग्लिश चैनल से होते हुए, इंग्लिश चैनल से होते हुए ध्यान रखिएगा आप नीचे की ओर आओगे तो यहाँ पर बे ऑफ बिस्के दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, बे ऑफ बिस्के, थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है, यस, अब आपको दिखाई दे रहा होगा ये बे ऑफ बिस्के आपको दिखाई दे रहा, ठीक है, बे ऑफ बिस्के के से आगे की ओर बढ़ोगे तो पोर्टुगल से होते हुए जैसे नीचे की ओर आओगे यहां पर आपको दिखाई देना चाहिए ये है आपका स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि, ठीक है, तो याद रखिएगा नॉर्थ सी से, ठीक है, नॉर्थ सी से लेकर के अगर हम जिब्राल्टर जल संधि तक हैं, ठीक है, नॉर्थ सी, इंग्लिश चैनल, बे ऑफ बिस्के, ठीक है, और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जिब्राल्टर की जल संधि, ये सभी चीजें जो है कौन से ओशियन में, तो आप देख सकते हैं अटलांटिक ओशियन के अंतर्गत है, ठीक है, कौन कौन से फिर से बताइए, तो नॉर्थ सी, ठीक है, उत्तरी सागर, इंग्लिश चैनल, ठीक है, बिस्के की खाड़ी और जिब्राल्टर जल संधि, यहां तक हम लोग हैं तो अटलांटिक ओशियन में, ठीक है, अब इसी जल संधि से, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर मतलब जिब्राल्टर की जल संधि से जैसे आप आगे की ओर एंट्री लोगे तो आप पहुंच जाओगे भूमध्य सागर में, ठीक है, कौन से सागर में पहुंच जाओगे, भूमध्य सागर में, फिर इसे जूम करके देख लेते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है, जैसे हम जूम करेंगे आपको चीजें दिखाई दे देगी, है ना, यहां पर आप देखिए आप पहुंच चुके हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से, आप कहां पर पहुंच गए हो, मेडिटेरेनियन सी मतलब भूमध्य सागर में, ठीक है, तो भूमध्य सागर में कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण है, ठीक है, कौन कौन सी चीजें जो है महत्वपूर्ण है, ठीक है, भूमध्य सागर आपने देख लिया, ठीक है, भूमध्य सागर का ही ये वाला जो भाग है, ध्यान रखिएगा ये वाला जो भाग है, ठीक है, इसे हम कहते हैं टेरेनियन सी, ध्यान रखिएगा इसे हम कहते हैं टेरेनियन सी, याद रखिएगा, ठीक है, इटली के जस्ट पश्चिम में स्थित है टेरेनियन सी, और टेरेनियन सी के बाद अगर आप और आगे की ओर जाओगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा तो यहां पर आपको मिलेगा, ध्यान रखिएगा, और एजियन सी, ठीक है, क्या मिलेगा, एजियन सी मिलेगा, ठीक है, इसे हम और अच्छे से देख सकते हैं इस डायग्राम में, ठीक है, यहां पर आपको दिखाई देगा, ठीक है, कौन से, यस, ये वाले पार्ट में दिखाई देगा, ठीक है, इसे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर चीजें जो है बहुत अच्छे से आपको दिखाई देंगी, ठीक है, अभी हम लोग भूमध्य सागर में थे, ठीक है, भूमध्य सागर में आप दिखाई दे रहा आपको टेरेनियन सी, ठीक है, टेरेनियन सी, फिर आप देखेंगे आयोनियन, ठीक है, आयोनियन सी, ठीक है, आयोनियन सी के बाद एजियन सी, ठीक है, ये कंप्लीट भूमध्य सागर के अंदर ही चार सागर आपको दिखाई देने चाहिए कंटिन्यूअस, एक लिंगरियन सी, ठीक है, फिर टेरेनियन सी, आयोनियन सी और एजियन सी, इसका मतलब है जिब्राल्टर जल संधि, ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि, याद रखिएगा जिब्राल्टर जल संधि से हम लोगों ने क्या किया, मेडिटेरियन सी में प्रवेश किया, ठीक है, यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर था, इससे हम लोगों ने भूमध्य सागर में प्रवेश किया, और भूमध्य सागर में प्रवेश करने के साथ ही बच्चों ध्यान रखिएगा भूमध्य सागर में प्रवेश करने के साथ ही आपने चार सागर को देखा, कौन से, लिंगोरियन, ठीक है, लिंगोरियन सी, टेरेनियन सी, ठीक है, आयोनियन सी, और यहां पर आपने देखा एजियन सी, चार सागर इसके अंतर्गत आपने देखा, ठीक है, कौन से सागर के अंतर्गत है,
ये भूमध्य सागर के अंतर्गत है, ठीक है। इसके आगे अगर हम बढ़े, ठीक है, इसके आगे अगर हम बढ़े, ठीक है, जो मेन डायग्राम है उसे देखते हैं, तो यहाँ पर आप जैसे ही देखोगे, ठीक है, यहाँ पर आप जैसे ही देखोगे तो आपको ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एड्रियाटिक सी है, ठीक है, एड्रियाटिक सी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है आपका एड्रियाटिक सी का पार्ट है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो आप पहुंच जाओगे, याद रखिएगा, ब्लैक सी में, काला सागर, काला सागर, ठीक है, काला सागर के बाद अंतिम में आप ऊपर आप देखेंगे, ये ऊपर में अगर आप देखेंगे, ये आपका ब्लैक सी है, ठीक है, काला सागर है, और ये है एजोब सागर, ठीक है, ये क्या है, एजोब सागर है। तो अगर पूरा ओवरऑल अगर हम देखें तो हम लोगों ने चारों तरफ जो जो सागर पाया जा रहा है, जो जो सागर स्थित है उसके बारे में हमने देखा। फर्स्ट हमने देखा बाल्टिक सागर, ठीक है, बाल्टिक सागर, इसके बाद हमने देखा उत्तरी सागर, ठीक है, उत्तरी सागर, तीसरे नंबर पर हमने देखा इंग्लिश चैनल, ठीक है, इंग्लिश चैनल, उसके बाद बे ऑफ बिस्के, फोर्थ नंबर पर बे ऑफ बिस्के हमने देखा, फिफ्थ नंबर पर आपने देखा स्ट्रेट जल संधि के द्वारा ही हमने भूमध्य सागर में प्रवेश किया था, और भूमध्य सागर में हम लोगों ने चार सागर को देखा था, लिंगोरियन, ठीक है, लिंगोरियन, ठीक है, फिर टेरेनियन, सेवेंथ नंबर पर टेरेनियन, एट नंबर पर हमने देखा था आयोनियन, ठीक है, आयोनियन, एट नंबर पर हम लोगों ने आयोनियन देखा था, और ध्यान रखिएगा एजियन हमने देखा था नाइन्थ नंबर पर, ठीक है, और टेंथ नंबर पर एड्रियाटिक सी, इलेवेंथ नंबर पर काला सागर, और ट्वेल्थ नंबर पर हमने देख लिया सी ऑफ एजोब, मतलब एजोब सागर, ठीक है। तो ये 12 छोटे छोटे सागरों से पूरा का पूरा यूरोप जो है घिरा हुआ है, और इसे हम लोगों ने इसलिए अच्छे से देखा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। इसे अगर आप देखें तो आपको एक बार रिविजन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक आपका रिविजन हो जाएगा, ठीक है। ये आपने देखा, ये फर्स्ट नंबर पर देखा कौन सा, तो हम लोगों ने फर्स्ट नंबर पर देखा, ध्यान रखिएगा, बाल्टिक सी, ठीक है, बाल्टिक सागर, फिर सेकंड नंबर पर हमने देखा नॉर्थ सी, उत्तरी सागर, ठीक है, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश चैनल, ठीक है, बे ऑफ बिस्के, बे ऑफ बिस्के, इसके बाद आपने देखा स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है, फिर यहाँ पर आपने देखा भूमध्य सागर में आपने चार सागरों को देखा, कौन कौन सा, लिंगूरियन, ठीक है, लिंगूरियन, टेरेनियन, ठीक है, टेरेनियन सी, इसके बाद आपने देखा एजियन, या सॉरी आयोनियन, फिर एजियन, क्लियर है, फिर एड्रियाटिक, ठीक है, यहाँ पर आपने ब्लैक सी देखा, और यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ एजोब देखा, ठीक है। तो हम लोगों ने लगभग लगभग बाउंड्री वॉल को देखा कि कौन कौन से सागरों से आपका यूरोप जो है घिरा हुआ है, ठीक है, यूरोप जो है वो घिरा हुआ है, ठीक है। कोई बात नहीं, सागर आप लेट हो गए तो, लेकिन बिल्कुल आप देखिए यहाँ पर, जिससे आपको यहाँ पर ही याद हो जाए, ठीक है, यहीं पर याद हो जाना चाहिए, है ना। तो सागरों को हमने देखा कि कौन कौन से सागर उपस्थित हैं, ठीक है, अब हम देखते हैं, कि कौन कौन सी जल संधियां उपस्थित है, ठीक है, कौन कौन सी जल संधियां उपस्थित है, ठीक है। हम सबसे पहले पहुंच जाते हैं बाल्टिक सी, ठीक है, आप जैसे ही मैं बाल्टिक सी बोलूंगा वैसे ही आपको ध्यान आना चाहिए ये वाला क्षेत्र, ठीक है, बाल्टिक सी, ठीक है, और नॉर्थ सी, ठीक है, बाल्टिक सी, इसके बाद नॉर्थ सी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये दो अलग अलग सागर हैं, ठीक है, दो अलग अलग सागर हैं, और दोनों अलग अलग सागरों को मिलाने वाली जलसंधि, ठीक है, मिलाने वाली जलसंधि, याद रखिएगा, इसी जलसंधि का नाम क्या है, इसके बारे में आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, कि इस जलसंधि का एक्चुअल में नाम क्या है, ठीक है। इसे मैं जूम कर रहा हूं जिससे आपको चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। एक बार आपको क्या दिखाई दे रहा है, नॉर्थ सी और बाल्टिक ओशन, ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर जैसे ही मैं जूम करूंगा वैसे ही चीजें, ये वाला पार्ट, ठीक है, बाल्टिक सी से अगर आप इस क्षेत्र से इस प्रकार से जाएंगे तो ध्यान रखिएगा आपको मिलेगा काला सागर, ठीक है, और इसी के मध्य में जो जलसंधि पाई जाती है, ठीक है, इसके मध्य में जो जलसंधि पाई जाती है, याद रखिएगा, इस जलसंधि का नाम है कील कैनल, मतलब कील नहर, ठीक है, ध्यान रखिएगा नाम क्या है, कील नहर, याद रखिएगा, है ना, नाम मैं लिख देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। इसका नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पर केवल और केवल समझने का कार्य करें, ठीक है, यहाँ पर केवल और केवल समझने का कार्य करें। तो कील नहर जो है वो दो अलग अलग सागर को जोड़ रही है, ठीक है, कौन कौन से सागर को, तो आप बता सकते हैं कि नॉर्थ सी को, ध्यान रखिएगा,
नॉर्थ सागर को, ठीक है, यहाँ पर मैं जूम कर देता हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें, यस, ये वाले पार्ट में अगर आप देख रहे हैं तो इसे थोड़ा सा जूम कर देते हैं जिससे चीजें आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये वाला पार्ट आप देखिए, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है कि बाल्टिक ओशियन जो आपको दिखाई दे रहा है, बाल्टिक ओशियन से अगर आप नॉर्थ सी की ओर जाएं तो कौन से नहर से होकर के जाएंगे, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये कील नहर है, ठीक है, ये आपका कील नहर है। इसी नहर से होकर के आप नॉर्थ मतलब उत्तरी सागर की ओर जाएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं उत्तरी सागर से, ठीक है, अब आ जाते हैं उत्तरी सागर से अगर आप इंग्लिश चैनल की ओर जाएं, ठीक है, उत्तरी सागर से अगर आप इंग्लिश चैनल की ओर जाएं, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है आपका इंग्लिश चैनल है, ठीक है, इंग्लिश चैनल है, ठीक है। तो उत्तरी सागर से अगर आप इंग्लिश चैनल की ओर जाओगे, ठीक है, इंग्लिश चैनल की ओर जाओगे मतलब इस प्रकार से, ठीक है, ये वाले पार्ट से, ये वाले पार्ट से, ठीक है, यहाँ पर आप इंग्लिश चैनल पर पहुंच रहे हो, तो ध्यान रखिएगा इंग्लिश चैनल, ठीक है, इसी को हम कहते हैं, इसी इसी क्षेत्र में जो जलसंधि है, ठीक है, इसी क्षेत्र में जो जलसंधि है, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ किंगडम, ठीक है, को बेल्जियम से अलग कर रही है, ठीक है। इधर आप देखोगे तो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ किंगडम है, ठीक है, और एक एक तरफ इस तरफ देखोगे तो बेल्जियम है, ठीक है, बेल्जियम है। इस जलसंधि का नाम क्या है, तो इस जलसंधि का नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, डोव, ठीक है, डोव जलसंधि, ठीक है, डोव स्ट्रेट, ठीक है। तो फिर से इसे एक बार जूम करके देखते हैं जिससे चीजें और आसानी से आपको समझ में आ जाए। ये उत्तरी सागर है, ठीक है, उत्तरी सागर से अगर आप इंग्लिश चैनल की ओर जाओगे, इसका मतलब है डोव जलसंधि, ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है डोव जलसंधि से होते हुए आप कहाँ पर जाना पड़ेगा, इंग्लिश चैनल, ठीक है। तो ये जलसंधि कौन से दो जलीय क्षेत्र को जोड़ रही है, तो नॉर्थ सी को इंग्लिश चैनल से जोड़ रही है, और कौन से दो स्थलीय क्षेत्र को अलग कर रही है, तो ध्यान रखिएगा यूनाइटेड किंगडम को, यूनाइटेड किंगडम को किससे अलग कर रही है, बेल्जियम से अलग कर रही है। क्लियर कट आपको दिखना चाहिए जिससे देखने से चीजें जो है समझ में आ जाती हैं, ठीक है। तो ये सेकंड नंबर की जलसंधि हम लोगों ने देखा, और थर्ड नंबर में, ठीक है, ध्यान रखिएगा इंग्लिश चैनल के बाद, ठीक है, इंग्लिश चैनल के बाद आप कहाँ पर आ जाओगे, इंग्लिश चैनल के बाद आप जो है घूमते फिरते हुए आ जाओगे बे ऑफ बिस्के में, ठीक है, बे ऑफ बिस्के में, ध्यान रखिएगा बे ऑफ बिस्के, ठीक है, बे ऑफ बिस्के में जब आओगे, बे ऑफ बिस्के से भी आप अगर दक्षिण में आ रहे हो तो यहाँ पर आपको दिखाई देनी चाहिए स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के बाद भूमध्य सागर आपको दिखना चाहिए, ठीक है, ये भूमध्य सागर आपको दिखना चाहिए, ठीक है। तो इंग्लिश चैनल से अगर आप भूमध्य सागर या स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर तक जाओगे, ठीक है, तो इसके बीच में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई जलसंधि आपको दिखाई नहीं देगी, ठीक है। इंग्लिश चैनल से होते हुए अगर हम इंग्लिश चैनल से होते हुए अगर हम बे ऑफ बिस्के जाएं, और बे ऑफ बिस्के से होते हुए अगर हम स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर तक पहुंचे, तो इसके मध्य में कोई भी जलसंधि आपको दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। यहां पर आप देखें तो यहां पर कोई भी जलसंधि आपको दिखाई नहीं देगी, ठीक है, यहां पर देखिए, ठीक है, ये इंग्लिश चैनल है, इंग्लिश चैनल से होते हुए हम बे ऑफ बिस्के आए, बे ऑफ बिस्के से होते हुए हम कहाँ चले गए, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, मतलब जिब्राल्टर जलसंधि, ठीक है। अब जिब्राल्टर का नाम ही जिब्राल्टर जलसंधि, वो तो जलसंधि है, ठीक है, इसका मतलब है इस जलसंधि के बारे में तो हम लोगों ने कई बार पढ़ लिया है, ठीक है। जिब्राल्टर जलसंधि से अगर हम बात करें, ठीक है, जिब्राल्टर जलसंधि की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा ये जिब्राल्टर जलसंधि अटलांटिक ओशियन को, ठीक है, इस ओशियन को, अटलांटिक ओशियन को किससे जोड़ रही है, भूमध्य सागर से जोड़ रही है, ठीक है, और कौन से दो पार्ट को सेपरेट कर रही है, तो याद रखिएगा यूरोप में उपस्थित स्पेन, और ध्यान रखिएगा हम लोगों ने जब अफ्रीका पढ़ा था तो अफ्रीका में हम लोगों ने सबसे उत्तरी देश देखा था मोरक्को, ठीक है, मोरक्को, अफ्रीका जब पढ़े थे तभी भी हम लोगों ने स्ट्रेट जिब्राल्टर को देखा था। तो याद रखिएगा ये जलसंधि जिब्राल्टर जलसंधि बच्चों, ध्यान रखिएगा, स्पेन को मोरक्को से अलग कर रही है, ठीक है, और कौन से दो सागर को जोड़ रही है, तो यहां पर अगर हम देखें तो दो सागर कौन कौन से हैं, तो एक है आपका अटलांटिक ओशियन, एक है आपका अटलांटिक ओशियन, ठीक है, और दूसरा है आपका भूमध्य सागर। तो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन को भूमध्य सागर से जोड़ रही है, यहां तक आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, यहां तक आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद ध्यान रखिएगा
जैसे ही हम भूमध्य सागर तक पहुंच गए, ठीक है, भूमध्य सागर तक पहुंचने के बाद क्या होना चाहिए, ठीक है, भूमध्य सागर तक पहुंचने के बाद आपको कुछ चार सागर आपको दिखाई देना चाहिए। कौन कौन सा, तो याद कीजिए कौन कौन सा चार सागर था। तो चार सागर के अंतर्गत सबसे पहला हम लोगों ने देखा था, थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं या पहले लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला हम लोगों ने देखा था लिंगूरियन, ठीक है, सबसे पहला हमने देखा था लिंगूरियन, फिर हमने देखा था टेरेनियन, ठीक है, टेरेनियन, फिर हमने देखा था आयोनियन, ठीक है, आयोनियन, और फिर हमने देखा था एजियन, ठीक है। ये चार सागर आपको दिखने चाहिए, ठीक है। इसे अब जूम कर लेते हैं जिससे याद हो जाए आपको फिर से। सबसे पहला हमने देखा था लिंगूरियन, फिर टेरेनियन, फिर आयोनियन, फिर एजियन, ठीक है। इस सागर, ये चारों सागर जो है ध्यान रखिएगा भूमध्य सागर के अंतर्गत आता है, ठीक है, भूमध्य सागर के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा इस भूमध्य सागर से, ठीक है, इस भूमध्य सागर से अगर आप, मैं पहले कलर चेंज कर लेता हूं जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। भूमध्य सागर से अगर आप टेरेनियन सी की ओर जाएं, ठीक है, कहां की ओर जाओगे, भूमध्य सागर से अगर आप टेरेनियन सी की ओर जाएं इस प्रकार से, क्लियर है, इस प्रकार से, तो यहां पर जो जलसंधि है, ठीक है, यहां पर जो जलसंधि है ध्यान रखिएगा इस जलसंधि का नाम ही है बेनिफेसिया, ठीक है। यहां पर नाम लिख देता हूं मैं, ठीक है, एक तरफ आपका मेडिटेरेनियन सी है, दूसरी तरफ आपका टेरेनियन सी है, ठीक है, और इसके मध्य में जो जलसंधि है याद रखिएगा बेनिफेसिया, ठीक है, बेनिफेसिया स्ट्रेट, ठीक है, बेनिफेसिया स्ट्रेट, क्लियर है। तो ये बेनिफेसिया स्ट्रेट को अगर हम बहुत ध्यान से देखें, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि कौन से दो जलीय सतह को जोड़ रही है, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है ये आपका भूमध्य सागर है, ठीक है, ये आपका भूमध्य सागर है, ठीक है। भूमध्य सागर से होते हुए अगर हम टेरेनियन सी की ओर जाएं तो ये रास्ता आपको फॉलो करना होगा, और अगर आप इस रास्ते से होकर के जा रहे हो इसका मतलब है कि दो स्थलखंड के मध्य में जलसंधि आपको दिखाई दे रही है, और इस जलसंधि का नाम ही हमने देखा बेनिफेसिया जलसंधि, ठीक है। क्या नाम हमने देखा, तो बेनिफेसिया जलसंधि, ठीक है। तो ये छोटी छोटी जलसंधियां हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये आपके लिए ध्यान रखिएगा महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रश्न जो है यहां से ही बन जाते हैं, ठीक है। वैसे ही सेम टेरेनियन सी से, ठीक है, टेरेनियन सी से अगर आप जा रहे हो आयोनियन सी, ठीक है, मैं यस टेरेनियन सी से अगर आप जा रहे हो आयोनियन सी, ठीक है, ये टेरेनियन सी है, ठीक है, और ये आपका आयोनियन सी है। अगर आप टेरेनियन सी से आयोनियन सी की ओर जा रहे हो इसका मतलब है इनके मध्य भी जलसंधि उपस्थित है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, मैं यहां पर लिख देता हूं, यस, इस चित्र में लिख देते हैं जिससे आपको दिखाई दे। टेरेनियन सी से अगर हम कौन से सी में जा रहे हैं, आयोनियन सी में जा रहे हैं, ठीक है, इसके मध्य में जो जलसंधि पाई जाएगी ध्यान रखिएगा मैसीना, ठीक है, इस जलसंधि का नाम है मैसीना जलसंधि, ठीक है, मैसीना जलसंधि से होते हुए ही आप टेरेनियन सी से आयोनियन सी की ओर जाओगे, ठीक है। एक बार देख लेते हैं जिससे चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। अब देखिए ये टी जो लिखा हुआ है वो कौन सा सी है, टेरेनियन सी, ठीक है, और जो आई लिखा हुआ है वो कौन सा सी है, आयोनियन सी। तो टेरेनियन सी से अगर आप आयोनियन सी की ओर जा रहे हो इसका मतलब है कि इटली, इटली का जो मुख्य भाग है, ठीक है, ये इटली है, इटली का मुख्य भाग से आप जो है इटली का जो दक्षिणी द्वीप है उसको ये जलसंधि क्या कर रही है, अलग कर रही है, ठीक है, और दो सागर को जोड़ रही है टेरेनियन और आयोनियन सी। जलसंधि का नाम क्या है, तो मैसीना जलसंधि, ठीक है, क्या नाम है इसका, मैसीना जलसंधि, ठीक है। ऐसे जूम आउट कर देते हैं जिसके बाद आगे की ओर हम देखेंगे, ठीक है, क्या नाम है इसका, मैसीना जलसंधि, ठीक है, यस, यहां पर हमने लिख दिया मैसीना जलसंधि, ठीक है। अब आप कहां तक पहुंच गए हो, आयोनियन सी तक पहुंच गए हो, ठीक है। अब आयोनियन सी से होते हुए ध्यान रखिएगा हम एड्रियाटिक सी जाएंगे, ठीक है, ये आपका एड्रियाटिक सी है, ठीक है, ये आपका एड्रियाटिक सी है। तो आयोनियन सी से सबसे पहले आप कहां जाओगे, सबसे पहले आप जाओगे एजियन सी में, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये एजियन सी में जाओगे, और एजियन सी से होकर के आपको जाना पड़ेगा एड्रियाटिक सी, ठीक है, एड्रियाटिक सी ये वाले क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा।
एजियन सी से अगर आप एड्रियाटिक सी में जा रहे हो, इसका मतलब है फिर से आपको एक जलसंधि को फॉलो करना पड़ेगा। इस जलसंधि का नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इस जलसंधि का नाम है और ट्रेंटो, ठीक है, और ट्रेंटो जलसंधि, ठीक है, और ट्रेंटो स्ट्रेट, ठीक है। और ट्रेंटो स्ट्रेट कौन से दो सागरों को जोड़ रहा है, तो एक तरफ आप देखोगे एजियन सी, ठीक है, और दूसरी तरफ आप देखोगे एड्रियाटिक, ठीक है, एड्रियाटिक सी, क्लियर, एड्रियाटिक सी, है ना। तो ध्यान रखिएगा ये छोटी छोटी जल संधियां हैं जो आपको मैप में दिखाई नहीं देगी, उसका नाम आपको मैप में लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा, इसलिए यहां पर मैं लिख दे रहा हूं। बाकी टेलीग्राम चैनल में बिल्कुल आपको नोट्स वहां पर प्रोवाइड हो जाएगा, इसलिए केवल यहाँ पर आप देखते चले और आप कमेंट करते चले कि आपको दिखाई दे रही है कि नहीं, ठीक है। तो यहां तक अगर क्लियर है, यहां तक अगर क्लियर है, तब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। एक बार यहां तक फिर से रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। कौन कौन सी जलसंधियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पर, तो सबसे पहले हमने देखा, ठीक है, कौन से जलसंधि के बारे में हमने सबसे पहले देखा, तो कील नहर, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले देखा कील नहर के बारे में, ठीक है। बार बार और जूम आउट करने की वजह से पेन काम करना बंद हो जाता है, ठीक है, यस। तो यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि कील नहर से होकर के ही, ठीक है, कील नहर से होकर के ही हम बाल्टिक सागर से किधर की ओर जाएंगे, बाल्टिक सागर से याद रखिएगा हम जाएंगे नॉर्थ उत्तरी सागर की ओर, ठीक है, उत्तरी सागर की ओर, है ना। कलर चेंज कर लेते हैं जिससे क्लियरिफाई हो जाए, ठीक है, क्लियरिफाई हो जाए, है ना, यस। कौन सा कलर रखें, चलिए ये कलर रख लेते हैं, ठीक है। तो ये काला सागर, ठीक है, सॉरी कील नहर, है ना। तो सबसे पहले हमने देखा कील नहर से होकर के ही बाल्टिक सागर से हम नॉर्थ सी की ओर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पर हमने देखा डोव जल संधि, ठीक है, डोव जल संधि, ये जल संधि से हम उत्तरी सागर से इंग्लिश चैनल की ओर पहुंचेंगे, ठीक है। इंग्लिश चैनल के बाद हम बे ऑफ बिस्के से थर्ड नंबर पर हम देखेंगे जिब्राल्टर जल संधि, ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि, ये जल संधि जो है अटलांटिक ओशियन को मेडिटेरेनियन सी से मिला रही है, ठीक है। फोर्थ नंबर पर हम देखेंगे, ध्यान रखिएगा, बेनिफेशिया, फोर्थ नंबर पर देखेंगे बेनिफेशिया स्ट्रेट, ये स्ट्रेट जो है भूमध्य सागर को टेरेनियन सी से जोड़ रहा है, ठीक है, और टेरेनियन सी से आयोनियन सी को जोड़ने वाला, ध्यान रखिएगा, मैसिना, फिफ्थ नंबर पर मैसिना स्ट्रेट हमने देखा, ठीक है, फिफ्थ नंबर पर हमने मैसिना स्ट्रेट देखा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा मैसिना स्ट्रेट से हम टेरेनियन सी से होकर के हम आयोनियन सी आ चुके हैं। अब आयोनियन सी से आगे बढ़ोगे, इसका मतलब है ये वाला जो पार्ट है आपका एजियन सी है, और एजियन सी से अगर आपको एड्रियाटिक सी की ओर जाना है, इसका मतलब है और ट्रेंटो जल संधि से, मतलब छठवें नंबर की जो जल संधि है, जो छठवें नंबर की जल संधि है वो है आपका और ट्रेंटो जल संधि, ठीक है। यहां तक अगर क्लियर है तो बच्चों एक एक बार मैसेज कर दें जिससे चीजें समझ में आ जाए, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो यहां तक आपने देखा, ठीक है, हम लोग एड्रियाटिक सी तक पहुंच चुके हैं। एड्रियाटिक सी के बाद जैसे आप आगे की ओर बढ़ोगे, ठीक है, एड्रियाटिक सी से अगर आप जैसे आगे की ओर बढ़ोगे, मतलब आपको किधर की ओर जाना है, तो ब्लैक सी की ओर जाना है, मतलब काला सागर, ठीक है, काला सागर की ओर जाना है, ठीक है। तो एक बार कलर चेंज कर लेते हैं फिर से, यही प्रॉब्लम है, बार बार कलर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, और कलर चेंज करने से ही चीजें आपके हक में रहेंगी, ठीक है। यहां पर आप देखें तो हम लोग पहुंच चुके हैं एजियन सी, और एजियन सी से होकर के हमको जाना है काला सागर की ओर, ठीक है, काला सागर की ओर। जैसे ही आप जाओगे तो इसके बीच में आपको मरमरा सागर दिखाई देगा, ठीक है। मरमरा सागर का मतलब है, ध्यान रखिएगा, एजियन सी से ये वाला पार्ट आप देखिए, ये वाले पार्ट को मैं जूम कर रहा हूँ, इस पार्ट को देखिएगा जो मैं रेड कलर का ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, मैं जूम कर रहा हूँ, आपको देखना है बस, ठीक है, यस। तो आप देख सकते हैं ये जो मैंने जूम किया है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, आप देखिए ब्लैक सी के जस्ट पश्चिमी क्षेत्र में आप देख सकते हैं, ठीक है, ब्लैक सी के जस्ट पश्चिमी क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये है आपका मरमरा सागर, ठीक है। कौन सा सागर नाम है, मरमरा सागर इसका नाम है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आप एजियन सी से, ठीक है, एजियन सी से जैसे ही आप मरमरा सागर की ओर जाओगे, ठीक है, मरमरा सागर की ओर जाओगे, ठीक है,
वैसे ही आपको एक जलसंधि को क्रॉस करके जाना पड़ेगा। ये आपका एजियन एजियन सी है, ठीक है। एजियन सी से जैसे ही आप आगे की ओर बढ़ोगे, कहाँ पर जाओगे आप? आप जाओगे मरमरा सागर की ओर, ठीक है। मरमरा सागर की ओर जैसे ही जाओगे, इसका मतलब है बीच में आपको जलसंधि मिलेगी, ठीक है, जिसका नाम है डार्डनस, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्लियर कट, जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये सेवेंथ नंबर, ठीक है, सेवेंथ नंबर लिख देता हूँ, ठीक है। कौन से सागर? एजियन सागर, ठीक है। एजियन सागर से होकर के आपको जाना पड़ेगा कौन से सागर में? मरमरा सागर, ठीक है। मरमरा नाम भी है, मरमरा सागर, ठीक है, मरमरा सी, ठीक है। बीच में जो जलसंधि आपको मिलेगी, इस जलसंधि का नाम है डार्डनस, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ डार्डनस, ठीक है, डार्डनस जलसंधि, ठीक है, डार्डनस स्ट्रेट, ठीक है। तो याद रखिएगा कि एजियन सागर में आप पहुंच चुके थे पहले। एजियन सागर से होकर के जब आप मरमरा सागर की ओर जाओगे, मरमरा सागर मतलब आप देख सकते हैं, ये सेवेंथ नंबर मैंने यहाँ पर लिख दिया जिससे क्लियर कट आपको समझ में आ जाए। एजियन सी से जैसे ही मरमरा सागर जाओगे, आपको बीच में जलसंधि मिलेगी जिसका नाम है डार्डनस। और जब डार्डनस जलसंधि से जब आप मरमरा सी में पहुंच चुके हो, तो मरमरा सी से जब आप ब्लैक सी में जाओगे, तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा बास्पोरस की जलसंधि, ठीक है। बास्पोरस की जलसंधि, यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ है, इसे जूम करेंगे तो आपको दिखाई दे देगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये आपको मरमरा सी से जब आप ब्लैक सी में जाओगे, तो बीच में आपको दिखाई देगा बास्पोरस की जलसंधि, ठीक है, बास्पोरस की जलसंधि, है ना। तो याद रखिएगा कि मरमरा सी से जब हम ब्लैक सी की ओर जाएंगे, तो यहाँ पर बास्पोरस की जलसंधि स्थित है। ये वाला जो पार्ट है, आपको ये वाला पार्ट जो मेरा कर्सर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये है बास्पोरस की जलसंधि, ठीक है। इसका मतलब है कि एट नंबर पर, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एट नंबर पर स्थित है आपका बास्पोरस की जलसंधि, ठीक है। बास्पोरस की जलसंधि से हम मरमरा सी से ब्लैक सी की ओर जाएंगे, ठीक है, ब्लैक सी की ओर जाएंगे। और ब्लैक सी अगर आप पहुंच चुके हो, तो ब्लैक सी से आप पहुंच जाओगे सी ऑफ एजोब, मतलब एजोब सागर में, ठीक है, सी ऑफ एजोब, एजोब सागर में। और इसी के बीच में ध्यान रखिएगा एक जलसंधि आपको दिखाई देगी, नाम है, ये नाइन्थ नंबर की जलसंधि मैं बता रहा हूँ, ठीक है। नौ आठ जलसंधि के बारे में हमने पढ़ लिया है। नाइन्थ नंबर की जो जलसंधि है वो ब्लैक सी को, ठीक है, ब्लैक सी को याद रखिएगा, ठीक है। कौन से सी से जोड़ रही है? एजोब, ठीक है, एजोब जलसंधि, सॉरी एजोब सागर, ठीक है, एजोब सागर। इसके बीच में जो जलसंधि पाई जा रही है, ध्यान रखिएगा, इसी जलसंधि का नाम है कीच, ठीक है, नाम याद रखिएगा, कीच जलसंधि, ठीक है, KERICH, ठीक है, क्रीच जलसंधि, क्रीच स्ट्रेट, ठीक है। तो याद रखिएगा, ब्लैक सी, काला सागर से अगर हम एजोब सागर की ओर जा रहे हैं, तभी भी आपको जलसंधि को क्रॉस करके जाना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें आपको एजोब सागर आपको दिखना चाहिए, ठीक है। एजोब सागर तक हमने यहाँ पर पढ़ लिया, ठीक है। ये सभी जलसंधियों के बारे में आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। इसे एक बार रिवीजन कर लेने से मुझे लगता है कि आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। यहाँ पर हम रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पर चलिए देखते हैं, कमेंट में मैसेज देखते हैं, ठीक है, किसको किसको याद है। नहीं भी याद होगा तो मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन आपको क्या कोशिश करना है, मैसेज करना है, ठीक है। अंजू क्लास जो है 12 बजे से चल रहा है, ठीक है, आधे आधा घंटा हो चुका है, और हम लोगों ने सभी यूरोप में आउटर एरिया को पढ़ लिया है, मतलब जो आपका बाउंड्री है वो पढ़ लिया है, जिसमें सागर और जलसंधि हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो चलिए आंसर दीजिए, देखते हैं कि कितने बच्चों को याद है। अगर अगर याद नहीं होगा तो मैं तो बताऊंगा, ये जो पहले नंबर मैंने यहाँ पर लिखा है, फर्स्ट नंबर, ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। क्या आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये जो डायग्राम है आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है क्या? ये डायग्राम आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है क्या? 12 बजे ही फिक्स टाइम है, ठीक है। चलिए यहां से देख लेते हैं, यहाँ ये वाला पार्ट आपको दिखाई देगा, ये, ठीक है। अब जल्दी से मुझे बताएं, ये जो फर्स्ट नंबर लिखा हूं मैं, ठीक है, फर्स्ट नंबर लिखा हूं, ये कौन सा नहर है, ठीक है, बाल्टिक सागर से अगर आप उत्तरी सागर की ओर जाओगे, तो कौन से नहर को क्रॉस करके जाना पड़ेगा? बिल्कुल सागर झा ने आंसर दे दिया है, कील नहर। सच
सभी बच्चे फटाफट देखते हैं कि कितने बच्चे करेक्ट आंसर दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर पर देखते हैं, ठीक है, सेकंड नंबर पर ये कौन सी जल संधि है जो नॉर्थ सी को, ध्यान रखिएगा, इंग्लिश चैनल से, ठीक है, इंग्लिश चैनल से जोड़ रही है, ठीक है। जल्दी से मुझे बताएं कि नॉर्थ सी, ठीक है, उत्तरी सागर को, ठीक है, डोवर जल संधि, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अंजू सिंह, क्लास का टाइमिंग है बेटा दोपहर को 12 से 1, ठीक है, तो अभी 12:40 हो चुका है, इसका मतलब है 40 मिनट की क्लासेस हो चुकी है, ठीक है। चलिए, ये सेकंड नंबर पर हमने देखा यहाँ पर, ठीक है, डूब जल संधि, बिल्कुल डूबर जल संधि है ना। इसके बाद थर्ड नंबर पर, यहाँ पर हम आ जाते हैं थर्ड नंबर पर, ये कौन सी जल संधि है, जल्दी से मुझे बताएं ये कौन सी जल संधि है, ठीक है। डूबर जल संधि के बाद, डूबर जल संधि के बाद तीसरे नंबर की जल संधि का नाम क्या है, तीसरे नंबर की जल संधि का नाम क्या है, जिब्राल्टर, वेरी गुड। थर्ड नंबर पर हमने जिब्राल्टर देखा, जो ध्यान रखिएगा अटलांटिक ओशियन को हमने देखा कि भूमध्य सागर से जोड़ रही है, ठीक है। अब याद रखिएगा भूमध्य सागर, ये फोर्थ नंबर की जल संधि है, भूमध्य सागर को याद रखिएगा टेरेनियन सी से, ठीक है, टेरेनियन सी से जोड़ने वाली जल संधि का नाम क्या है, बिल्कुल बिल्कुल एकदम करेक्ट बताया आपने, ठीक है, बेनिफेशिया, बेनिफेशिया। और टेरेनियन सी से अगर आप ध्यान रखिएगा एजियन, सॉरी आयोनियन सी की ओर जा रहे हो, ठीक है, आयोनियन सी की ओर जा रहे हो, ठीक है, इसका मतलब है कि इस जल संधि को, पांचवें नंबर की जल संधि को क्रॉस करोगे, क्या नाम है इसका, बेनिफेशिया के बाद कौन सा है, मैसिना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मैसिना, ठीक है। आयोनियन सी से अगर आप एड्रियाटिक सी जा रहे हैं, इसका मतलब है छठवें नंबर की जल संधि को क्रॉस करके आप जाएंगे, नाम क्या है, ठीक है, छठवें नंबर की जल संधि को क्रॉस करके जाएंगे, मतलब आयोनियन सी को एड्रियाटिक सी से जोड़ने वाली जल संधि का नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा जल्दी से मुझे बताएं, मेसिना जल संधि तक तो आपने बता दिया, बिल्कुल करेक्ट है ऑट्रेंटो, ठीक है, ऑट्रेंटो जल संधि जो है वो आयोनियन सी को एड्रियाटिक सी से जोड़ रही है, ठीक है। अब आयोनियन सी से होकर के आप एजियन सी तो पहुंच ही चुके हैं, ठीक है, ये आपका मरमरा सागर है, ठीक है, ये आपका मरमरा सागर है, ठीक है, तो एजियन सी से याद रखिएगा, एजियन सी से जब आप मरमरा सागर की ओर जाओगे तो कौन से जल संधि को क्रॉस करके जाओगे, ठीक है, बिल्कुल एजियन सी से मरमरा सागर की ओर अगर आप जा रहे हैं तो कौन सी जल संधि को क्रॉस करके जाओगे, डार्डनस जल संधि, ठीक है, सातवें नंबर पर हमने देखा था डार्डनस, ठीक है, याद रखिएगा नाम यहां पर मैं लिख देता हूं जिससे आपको फिर से याद हो जाए, ठीक है, छोटी छोटी जल संधियां हैं, ठीक है, नाम यहां पर लिख देते हैं डार्डनस, डार्डनस जल संधि स्ट्रेट, ठीक है। अब आप मरमरा सी से जब आप ब्लैक सी की ओर जाओगे तो कौन सी जल संधि को क्रॉस करके जाओगे, ठीक है, तो कौन सी जल संधि को क्रॉस करके जाओगे, याद रखिएगा बॉस्पोरस, बिल्कुल सही है, बॉस्पोरस जल संधि को क्रॉस करके आप ब्लैक सी पर जाओगे, ठीक है। और ब्लैक सी से अगर आप एजोव सागर की ओर जा रहे हो तो नाइन्थ नंबर की जल संधि का नाम बता दीजिए, क्रिच स्ट्रेट, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये हम लोगों ने, बिल्कुल, तो ये ध्यान रखिएगा सी ऑफ एजोव तक हम लोग पहुंच चुके थे, एक बार हम लोगों ने पढ़ा भी और यहाँ पर हमने रिविजन के रूप में भी देखा, ठीक है, रिविजन के रूप में भी हम लोगों ने यहाँ पर क्लियर कट देखा, ठीक है। तो आज का जो चैप्टर था, ठीक है, आज का जो चैप्टर है उसमें हम लोगों ने लगभग लगभग बाउंड्री वॉल को बहुत अच्छे से देख लिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा बाउंड्री को हम लोगों ने अच्छे से क्लियर किया है, ठीक है। बाउंड्री के बाद याद रखिएगा इसके अंतर्गत, ठीक है, इसके अंतर्गत और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पढ़ना है, ठीक है, बहुत सारी चीजों को आपको पढ़ना है। अगर हम बात करें गल्फ की, ठीक है, कौन कौन से गल्फ हैं, तो आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो कल की क्लास में कौन सा पार्ट आपको पढ़ना है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं गल्फ ऑफ बोथनिया दिख रहा है आपको, गल्फ ऑफ बोथनिया जो स्वीडन को फिनलैंड से अलग कर रहा है, ठीक है, स्वीडन को फिनलैंड से अलग कर रहा है, क्लियर है। अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको स्वीडन दिखाई दे रहा है, ठीक है, स्वीडन और फिनलैंड के मध्य में जो खाड़ी स्थित है उसी को हम कहते हैं गल्फ ऑफ बोथनिया, ठीक है, बिल्कुल ये गल्फ ऑफ बोथनिया है। गल्फ ऑफ बोथनिया से अगर आप नीचे की ओर जाओगे, ठीक है,
गल्फ ऑफ बोथनिया से अगर आप नीचे की ओर जाओगे बच्चों, तो ध्यान रखिएगा आपको वहां पर गल्फ ऑफ फिनलैंड दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर फिर से एक बार वो कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं। यस, आप देखेंगे गल्फ ऑफ बोथनिया आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, लिखा हुआ गल्फ ऑफ बोथनिया से जैसे नीचे की ओर जाओगे गल्फ ऑफ फिनलैंड, ठीक है, फिनलैंड के जस्ट दक्षिणी भाग में, ठीक है, फिनलैंड के जस्ट दक्षिणी भाग में, क्लियर है। इसका मतलब है कि ये आपको गल्फ दिखाई दे रहा है, गल्फ ऑफ बोथनिया, इसके बाद गल्फ ऑफ फिनलैंड, ठीक है, गल्फ ऑफ फिनलैंड, क्लियर है। तो ये दो गल्फ के बारे में भी अभी आपको मैंने बता दिया। कल की क्लास में आपको याद रहे कि आगे हम जो है, आज हम लोगों ने बाउंड्री वॉल्स को देखा है कि कौन कौन से सी आपको देखने को मिल रहे हैं, कौन कौन से यहाँ पर आपको गल्फ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से स्ट्रेट आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और पूरी पूरा यूरोप कॉन्टिनेंट जो है वो चारों तरफ से कौन कौन से भागों से घिरा हुआ है, ठीक है। अगर हम देखें कि अगर आपसे कोई पूछे कि आपका यूरोप कॉन्टिनेंट एशिया, यूरोप कॉन्टिनेंट आप देख सकते हैं, ये वाला पार्ट यूरोप कॉन्टिनेंट है और ये वाला पार्ट एशिया है, ठीक है। यूरोप और एशिया के मध्य में कौन कौन से जो है कौन कौन से सागर जो है वो प्राकृतिक सीमा रेखा बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें तो फर्स्ट नंबर पर आपको यूराल पर्वत दिखाई देगा, ठीक है, यूराल पर्वत आपको दिखाई देगा, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पर आप देख सकते हैं कैस्पियन सागर है, थर्ड नंबर पर काकेशस पर्वत है, फोर्थ नंबर पर आप बता सकते हो कि ब्लैक सी है, ठीक है, ब्लैक सी है, ठीक है। इसके साथ ही ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको मिलेगा एजियन सी, ठीक है, फिफ्थ नंबर पर एजियन सी। तो पांच ऐसी प्राकृतिक सीमा रेखाएं हैं, इसे हम जूम करके भी दिखा देते हैं, ठीक है, ये अब आप देख सकते हो, ठीक है। फर्स्ट नंबर पर आप देखिए यूराल माउंटेन है, ठीक है, यूराल माउंटेन है ये वाला पार्ट। सेकेंड नंबर पर आप देख सकते हैं कैस्पियन सी है, ठीक है, कैस्पियन सी है। थर्ड नंबर पर अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है काकेशस माउंटेन, ठीक है, काकेशस पर्वत। इन सभी पर्वतों के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन केवल अभी आप नाम जान जाइए कि सीमा रेखा ये पर्वत बना रहे हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर पर आप देख सकते हैं काला सागर है, ठीक है। फिफ्थ नंबर पर आप देखेंगे तो ये वाला पार्ट जो है एजियन सागर है, मरमरा सागर से होते हुए आप एजियन सागर की ओर पहुंच जाओगे, ठीक है। तो एशिया, एशिया यूरोप और एशिया, क्लियर है, यूरोप और एशिया के मध्य में, ठीक है, एशिया के मध्य में पांच ऐसे प्राकृतिक सीमा रेखाएं बनाते हुए पर्वत और वहां पर सागर दिखाई दे रहे हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पर यूराल, फिर कैस्पियन, फिर काकेशस, फिर काला सागर, फिर आप बता सकते हैं एजियन सागर, क्लियर है। वहीं अगर हम बात करें यूरोप, वहीं अगर हम बात करें यूरोप और अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका के मध्य में कौन से स्थलीय भाग या जलीय भाग जो है प्राकृतिक सीमा रेखा बना रहे हैं, तो आपको याद रहना चाहिए सबसे फर्स्ट नंबर पर जिब्राल्टर, ठीक है, जिब्राल्टर। उसके बाद आप देख सकते हैं भूमध्य सागर, ठीक है, भूमध्य सागर, क्लियर है। तो ये दो क्षेत्र ऐसे हैं जो अफ्रीका से यूरोप को अलग करे, जिब्राल्टर जल संधि, भूमध्य सागर, ठीक है। उत्तर में तो आपने देख ही, पूर्व पश्चिम में तो आपने देख ही लिया कि पश्चिमी क्षेत्र में आपको यहां पर दिखाई दे रहा अटलांटिक ओशियन, ठीक है, अटलांटिक ओशियन ये वाला पार्ट, अटलांटिक ओशियन, ठीक है। और उत्तर में हमने बताया आपको कि ऊपर में स्थित है आर्कटिक, आर्कटिक ओशियन, ठीक है। तो ये लगभग लगभग हम लोगों ने ये चीज को क्लियर किया है, ठीक है, ये चीज को हमने पढ़ा है। चीजें अगर समझ में आ रही हैं तो एक एक बार मुझे मैसेज कर दें, ठीक है, वीडियो कैसा लगा, क्योंकि कल आज हम लोगों ने, आज फर्स्ट पार्ट है यूरोप का, जिसमें मैंने पहले से ही सोच रखा था कि ये जो टेढ़ा एकदम यूरोप कॉन्टिनेंट जब आप पढ़ोगे तो बहुत बारीकी से उसका स्ट्रेट और आपको मतलब सी और स्ट्रेट को बहुत ही बारीकी से देखना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे सी हैं, छोटे छोटे सागर हैं और बहुत छोटे छोटे जो जल संधियां हैं, जिसे आपको याद करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने आज जो है क्लियर कट देखते हुए, ठीक है, देखते हुए जूम करके भी मैंने बताया, ठीक है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर रिविजन के रूप में मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा, जिससे आपको एटलीस्ट अगर स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजों को आपने याद कर लिया होगा, ठीक है। कल की डेट में ध्यान रखिएगा, कल हम लोग जो है इसके फिजिकल पार्ट पर देखेंगे कि यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर और कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट्स को आपको पढ़ना है, ठीक है।
गल्फ और बे में अंजू सिंह पूछ रही है कि क्या अंतर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि अगर आप देखें यू आकार की घाटी अगर आपको दिखाई दे, ठीक है, ध्यान रखिए गल्फ और बे में आपने प्रश्न पूछा है, ठीक है, आपको यू आकार की घाटी अगर इस प्रकार से दिखाई दे रही और अगर एक यू आकार की घाटी की लंबाई अधिक है इस प्रकार, ठीक है, ये इस प्रकार में, तो याद रखिएगा जब जो छोटा यू आकार की घाटी आपको दिखाई दे तो उसी को याद रखिएगा, हम क्या कहेंगे इसी क्षेत्र को हम करेंगे बे मतलब खाड़ी, ठीक है, और याद रखिए गल्फ का मतलब है कि यू आकार की घाटी तो बनेगी लेकिन उसकी लंबाई, उसका जो यू आकार का जो गहराई है, ये क्षेत्र जो गहराई क्षेत्र है वो काफी अधिक दिखाई देगा। ठीक है, वैसे ही आप देखेंगे यहाँ पर गल्फ ऑफ बिस्की को देखिए, ठीक है, गल्फ ऑफ बिस्की को देखिए, ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए गल्फ ऑफ बोथनिया, ठीक है, बे ऑफ बिस्की और गल्फ ऑफ बोथनिया, ठीक है, तो गल्फ आपको दिखाई दे रहा है आपको कि यहाँ पर इसका इसकी लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ गहराई भी अधिक है। ठीक है, ध्यान रखिए गल्फ में गहराई तो आपको दिखाई नहीं देगी इसलिए मैंने बताया नहीं, लेकिन याद रखिएगा कि गल्फ का मतलब ही होता है कि इसका ये वाला जो पार्ट है ये काफी आपको लंबा और चौड़ा दिखाई देगा, इसकी गहराई भी अधिक होती है, ठीक है, गहराई भी अधिक होती है, और बे ऑफ बेस के मतलब बे भी खाड़ी है लेकिन उसका आकार जो है आपको उसके अपेक्षाकृत कम दिखाई देगा। ठीक है, आई होप कि आपको आपका आंसर मिल गया होगा। चलिए चलिए, तो यहाँ तक हम लोगों ने आज पढ़ा, ठीक है, कल फिर से याद रखिएगा, कल ठीक 12 बजे, ठीक है, कल फिर 12 बजे याद रखिएगा नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे जिसमें हम यूरोप कॉन्टिनेंट का सेकंड पार्ट देखेंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट देखेंगे, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट देखेंगे। ठीक है, तो फिर से सभी बच्चे कल 12 बजे तैयार रहिएगा जिससे यूरोप का सेकंड पार्ट जो है स्टार्ट कर सकें। ठीक है, 1 घंटे से कंटिन्यूअस आप लोगों ने सभी देखा। ठीक है, जिसको नोट्स चाहिए वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकता है। ठीक है, जिसको नोट्स चाहिए वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकता है, अभी हम लोगों ने केवल देखा है। ठीक है, नोट्स यहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल में मैं शेयर कर दूंगा, याद रखिएगा। ठीक है, नोट्स जो है वो टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो जितने बच्चे जुड़े हैं वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस लिंक के थ्रू जो है आप डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज क्लास सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं और फिर कल 12 बजे मिलते हैं यूरोप कॉन्टिनेंट पार्ट 2 वीडियो के साथ। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। काकेशस सागर का प्रश्न है कि काकेशस माउंटेन पर जो देश है वो कौन से में आता है। काकेशस ध्यान रखिएगा वो आपका यूरोप का पार्ट का, यूरोप के अंतर्गत जो है देश है वो यूरोप के अंतर्गत माना जाता है। यूराल, यूराल पर जो देश आएगा वो कौन से यूराल पर्वत पर जो देश उपस्थित होगा वो कौन से जो है कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आएगा। तो ध्यान रखिएगा यूराल का आधा भाग जो है आपका यूरोप कॉन्टिनेंट और आधा भाग एशिया कॉन्टिनेंट, ठीक है, साइबेरिया वाला पार्ट। वैसे काकेशस देखेंगे तो उसका आपका यूरोप का पार्ट है और नीचे आपका एशिया का पार्ट है। ठीक है, थैंक यू अंजू सिंह। ठीक है, कल 12 बजे फिर इंतजार रहेगा, फिर से इसी प्रकार से लगे हुए, ठीक है, आपको दिखाई देगा कि आपका आपके जो टीचर है वो मेहनत कर रहे हैं, आपको ये भी दिखना चाहिए, मतलब मुझे ये भी दिखना चाहिए कि आप भी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि इससे ये होगा कि आपका कॉन्टिनेंट पार्ट जो है वो मेरे साथ ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, दूसरे वीडियो की तरह जो है वो केवल देखें और भूल जाए ये ना हो, आप देख रहे हो तो उसको सीरियसली मोड में आप जो है आप उसे पढ़ो और वहां से क्वेश्चंस बने। ठीक है, वैसे सभी जानते हैं कि ये जो कॉन्टिनेंट पार्ट चल रहा है, ठीक है, उसका स्पेशल क्लास में याद रखिएगा रात को 11:15 पर इसका टेस्ट भी अरेंज होता है। ठीक है, जो बच्चे देते हैं वो जानते हैं कि रात को 11:15 से लेकर के 12:15 तक, ठीक है, स्पेशल क्लास मतलब आपका अनअकैडमी का जो लर्निंग एप्लीकेशन है वहां पर ये क्लासेस चलती हैं। ठीक है, जिसमें जो कॉन्टिनेंट हम पढ़ रहे हैं उस पर आधारित जो MCQs है उसको वहां पर पूछा जाता है जिससे आपकी तैयारी जो है वो हो सके। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, आप 1 घंटे से कंटिन्यूअस आपने अपना समय दिया। ठीक है,
और इस समय का यूटिलाइज करो। आप लोग घर में बैठ करके फिर से इस पार्ट को आप एटलस में देख सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको चीजें और भी आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। तो वंस अगेन आप लोगों को, सभी बच्चों को थैंक यू। सभी बच्चे लिंक को शेयर कीजिए, सभी बच्चों को जोड़ें जिससे कमेंट आए और टीचर को और मोटिवेशन बना रहे कि वो और अच्छे से आपके सामने प्रेजेंट करे, ठीक है। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। कल फिर मिलते हैं 12 बजे यूरोप कॉन्टिनेंट के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।